हो गया ये लो, अब तुम्हें नुकसान होने वाला है। मतलब सिगरेट पीना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इस फिल्म में कोई स्मोक नहीं करेगा। मैं भी नहीं करूंगा। वही जमाना था जब मोहनलाल और ममूटी दोनों मलयालम फिल्मों के दिग्गज कलाकार थे और दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कुंचाको बोबन सिर्फ 7 साल का था और सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था उसी समय जब डॉक्टर मैथ्यू किसी और डॉक्टर की तरह अपने वाइफ की डिलीवरी की जिम्मेदारी दूसरे डॉक्टर के हाथों में सौंप हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर से उधर टेंशन में घूम रहे थे। आप में से मिस्टर मैथ्यू कौन है? मैं हूँ। आपको लड़का हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। अगर लड़की होती तो लाइफ टाइम टेंशन होती, उसके टेंशन में रात भर जागते रहते। पता है क्या सोचते? इसकी शादी कब होगी? अगर किसी के साथ भाग जाती तो और टेंशन होता। और जब तुम बूढ़े हो जाते तो तुम्हारे साथ रहती भी नहीं। अच्छा हुआ तुम्हें टेंशन से मुक्ति मिल गई। शुक्रिया ऊपर वाले। सॉरी सर, मुझसे मिस्टेक हो गई, आपको लड़की हुई है। ऊपर वाले का एक बार और शुक्रिया।
ये कहानी इस लड़की की है, इसके आंसू और दर्द की कहानी है। ऐसी कहानी जिसमें इसने बहुत सारे दिन गुजारे हैं दर्द में। ये क्या है, कोई सीरियल का टेलीकास्ट चल रहा है क्या? ये मेरी कहानी है, इसे मैं ही बताऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है। ये एक पुरानी कहानी है जो पिछली सदी में शुरू हुई थी। नहीं नहीं, इतना पीछे मत जाना। 1999, हाँ ये सही है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। मेरा नाम है पूजा मैथ्यू। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैं ऐसी दिखती थी। ये घर जो आपने अभी अभी देखा है, ये मेरा घर है और ये मेरा रूम है। ये मेरे नए रेबन के क्लास है, अगर तूने इसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। ये है मेरे डैडी, डॉक्टर मैथ्यू, पूरे गांव के फेवरेट डॉक्टर हैं। लेकिन मम्मी और मैं इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कानो मुझे दोष। ये है इनकी आदत, खुद का गाना रिकॉर्ड करते हैं और खुद ही सुनते हैं। क्या बात है। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर्स को अपनी लाइफ में खुद कोई मेडिसिन बनानी चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने एक लैबोरेटरी बनाई है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एनी। ये है एनी, मेरी मम्मी। ये कॉलेज में लेक्चरर हैं, बहुत ही प्यारी हैं। इन्हें कुकिंग बहुत पसंद है और मुझे कुकिंग के नाम से ही चिढ़ होती है। इनकी एक आदत है, कोई नई डिश बनाती है तो उसे खुद चख के देखती हैं। अरे वाह, थोड़ा तमीज से बैठो। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि मुझे लड़कों की तरह नहीं रहना चाहिए। लड़कियों को सीटी नहीं बजाना चाहिए। पापा कहते हैं कि मैं लड़का हूँ, गलती से लड़की बन गई। कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। इस तरफ देखो। मम्मी टिफिन। तो खुद किचन से नहीं ले सकती क्या? सॉरी, किचन सिर्फ लड़कियों के लिए है। ओ, इसका मतलब तू लड़का है। मारूंगा तुझे। बाय डॉक्टर मैथ्यू। मेरी स्कूल की प्रिंसिपल के दिल में मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मिस्टर मैथ्यू, स्कूल के नजदीक मैं आपको घर रेंट पर दे दूं। पर क्यों मैडम? ताकि आप अपनी वो खटारा गाड़ी यहाँ पर ड्राइव करते हुए ना आए और इसके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें। और सेम केस हमारे फादर के साथ भी। मैथ्यू, तुम्हें पता है ये कौन है? क्यों, मेरी बेटी? नहीं, ये एंटी गॉड है, एंटी गॉड। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे फेवरेट हीरो की फिल्म रिलीज हुई। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की, आखिर वो इतना गुड लुकिंग जो है। मैंने पापा को प्रॉमिस किया कि मैं मेन रोड पर बाइक नहीं चलाऊंगी और किसी तरह पापा को मना के अपने लिए एक नई बाइक खरीद ली। क्या है बे, कभी देखा नहीं क्या लड़की को? मैं बाइक चलाऊंगी, गियर चेंज करूंगी और अपना हाथ छोड़कर भी चलाऊंगी। जो काम तुम्हारे लायक है वही करो बेटी। मेरे गिरने की वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, मुझे अपने माथे पर एक बैंडेज लगाना पड़ा। और तब मेरी रिलेटिव जूली मुझे देखने आई थी, मेरी कजन सिस्टर। हेलो मत, स्माइल प्लीज। रेडी, 1 2 3, अब मुझे दो। वहां जाकर फोटो खींचते हैं। उस दिन मैंने लाइफ की रियलिटी को समझा। फिक्स हो जाए, बहुत टेंशन में हूँ मैं। ऊपर वाला हमारी प्रार्थना सुन ले। क्यों नहीं सुनेंगे, हमारी फैमिली कितनी अच्छी है। और वैसे भी हम उन्हें 200 गोल्ड कॉइंस और 25 लाख रुपए जो दे रहे हैं। क्या, 200 गोल्ड कॉइंस और 25 लाख?
हे भगवान, वो कौन लकी आदमी होगा जिसे इतना सोना मिलने वाला है? हाय। अरे जी, जूली के दूल्हे को देखने के बाद एक बात तो पक्की हो गई, लड़कियों की जिंदगी में कोई फ्रीडम और कोई चॉइस नहीं होती। वो अपना लाइफ पार्टनर तक सिलेक्ट नहीं कर सकती। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो आज मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताती हूँ। ये मेरी आंटी का घर है, रेचल आंटी। उन्हें मैं वाइन आंटी कहकर बुलाती हूँ। वो बहुत ही अच्छी वाइन बनाती है। 10 या 20 दिन पुरानी वाइन नहीं होती है ये स्पेशल वाइन है जो आपको मिलती है 4 या 5 साल पुरानी होने के बाद। इसमें आपको ग्रेप्स, पाइनएप्पल, बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। आंटी जो भी वाइन बनाती हैं, वो मैं ही टेस्ट करती हूँ। शॉर्ट में बताऊं तो मैं उनकी वाइन टेस्टर हूँ। आंटी आंटी को मैं बहुत पसंद हूँ और मुझे भी वो बहुत पसंद है। वो मुझसे किसी भी बारे में बात करती हैं और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसे ही होता है, लड़की चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, उसे शादी उसी से करनी पड़ती है जिससे फैमिली तय करती है। समझ गई ना? मुझे तुम्हारे अंकल बहुत पसंद थे, लेकिन मेरे फैमिली वालों को नहीं। जिससे प्यार करो उससे शादी करना ही अच्छी बात होती है। जिससे हम प्यार नहीं करते उसे शादी करना और उसे लाइक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अपने लिए लड़का मैं खुद ढूंढूंगी। स्कूल के लड़के मेरी टाइप के नहीं है, या तो बहुत पढ़ाकू है या फिर फ्लर्ट करने वाले। हाय पूजा। हाँ, लेकिन एक लड़का था बी डिवीजन का, यार्डली। उसका सेकंड नेम थोड़ा पुराना है, अवरन, यार्डली अवरन। लेकिन वो सच में स्मार्ट है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि यार्डली ही मेरे लिए सही है, वो खुद ब खुद मेरी जिंदगी में आ गया। यार्डली ने वीगा लैंड के वाटर थीम पार्क में जाने का प्लान बनाया और हम सब स्कूल के बच्चे चले गए। नॉर्मली स्कूल के टूर्स में कई लड़के और लड़कियां एक साथ बैठते हैं कुछ और इंटेंशन लेकर। तो जब यार्डली मेरे पास आकर बैठा, मुझे लगा वो भी वैसा ही सोच रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ अलग ही था। हाय पूजा। हाय। तुम मेरी फैमिली को तो जानती हो ना? तुम्हें तो पता है कि मेरे डैडी डॉक्टर हैं और तुम्हारे डैडी भी डॉक्टर हैं। मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा और तुम भी डॉक्टर ही बनोगी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम अच्छे से सोचकर मुझे कल बता देना। मैं भी चलता हूँ। ओके। Thank you.
अरे उधर देख जल परियों को, मस्त लग रही है ना। शंभू भाई नंबर वन। ए, क्या कर रहा है? चल निकल ले। शंभू भाई नंबर टू। क्या बे, क्या प्रॉब्लम है तेरी? ए, तू किस पे हाथ डाल रही है रे? शंभू भाई हूँ मैं, मुझे मारेगी। नहीं भाई, वो अभी मार के दिखा इसको। नहीं भाई। अरे रुक रुक, मुझे भी लेके जा। अरे मुझे छोड़ के चले गए। पूजा, हाँ? तुमने कुछ डिसाइड किया क्या? हाँ वही। हाँ? जब हम किसी इंसान से मिलते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो हमें अलग तरीके की फीलिंग आती है ना। तुमने अपना नाम क्या बताया? यार्डली। यार्डली, तुम्हें देखकर मुझे वो फीलिंग नहीं आती। सॉरी सॉरी यार। जिंदगी में पहली बार मैंने एक ऐसे स्टड को देखा था। वो कौन है, कहां से आया, यही रात भर सोचती रही। और अगले दिन मैंने उसे फिर से देखा। कब आएगी बस? निकल निकल, चल चल चल। क्या रे, क्या हो गया? अरे गाड़ी चालू करना। अरे बाइक चालू कर, क्या कर रहा है? निकल, चल घर पे जा। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। चल पहली बार था जब मैंने अपनी स्कूल बस मिस करी। मुझे पता ही नहीं चला कब बस आई और कब गई। मैं तो बस उसी के बारे में सोचती रह गई। मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। पापा मेरे लिए मोबाइल फोन लेकर आए, नोकिया 3310। जबरदस्त फोन है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे चाहिए, लेकिन किसी और से बात करने के लिए। हेलो, हाँ ठीक है, ये ले। ये है मेरी फ्रेंड नीतू। हेलो। हाँ एक मिनट है। हाँ एक मिनट। ये मेरी दूसरी फ्रेंड डोना। ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये एक बार में 3-4 लड़कों को घुमा सकती है और ये एक बार में 3-4 डोसे खा सकती है। मैं इनके साथ बैठी हूँ लेकिन फिर भी उसके बारे में ही सोच रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। क्या सोच रही है तू? देख मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, कान्यानी, डेविड कान्यानी। इसके बारे में आपको बताना ही भूल गई। ये मेरा कजन ब्रदर है, कान्यानी, डेविड कान्यानी। एक नंबर का मस्तीखोर है और बहुत बड़ा फ्लर्ट है। लोगों के घर में घुस घुस के चोरी भी करता है। हमारे खानदान का नाम खराब करने में इसी का हाथ है। ये भागने में बहुत एक्सपर्ट है। जब मुसीबत आती है गायब हो जाता है, और जब सब लोग इसकी गलती भूल जाते हैं सामने आ जाता है। पहली बार जब ये गायब हुआ था तब ये एक ऑल्टर बॉय था। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। उस दिन कान्यानी 3 साल के लिए गायब हो गया था, और 3 साल के बाद जब वो वापस आया तो वो कृष के घर पर गया और उसके पैर पकड़ लिए। पैसों की बातें हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं। पैसे की बात नहीं होती तो नहीं बोलता। तुम्हें आना ही पड़ेगा और पैसे भी लेकर आने पड़ेंगे, समझ रहे हो? हाँ, काम नहीं करते मगर पैसे लेने टाइम पर आ जाते हैं। सुनो,
आज संडे है ना? हाँ सर। भूलना नहीं, नहीं सर। तुमने कहा था कि तुम जोस ब्रदर्स के घर से हो। हाँ। समझ गया ना? हाँ। याद रखना, ठीक है सर। भूलना मत, ठीक है। हाँ। ये लो। हाँ। चलो जाओ जाओ जाओ, ठीक है ठीक है। नया बिजनेस शुरू किया है, लेबर सप्लाई करता हूँ मैं। क्या करते हो? लेबर सप्लाई का बिजनेस। चर्च के फेस्टिवल से एक दिन पहले चर्च वालों ने पैकेट से नहीं डालने का ऑर्डर दिया हुआ है। हर घर से एक आदमी वहाँ पर आना चाहिए। अगर ऐसा ऑर्डर है तो लोगों के पास टाइम आखिर कहाँ से होगा? इसीलिए मैंने सब कुछ पहले से अरेंज कर दिया है ताकि सब लोग सेलिब्रेट कर सकें। समझ गई? हेलो, तुम्हें कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह मुत्तू राजू जाएगा। तुम बस खाना पीना और आराम से सो जाना। हाँ। वो तो ठीक है, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ वो भाई, उस दिन बस स्टॉप पर एक चढ़ा था जिससे डर के तुम लोग भागे थे। कौन था वो लड़का? वो वही क्या, गिरी। गिरी, एक बात सुन ले, वो लड़का अच्छा नहीं है, गुंडे टाइप का है वो। वो हमारा दुश्मन है, तो उससे दूर रहना। अगर उसके पास गई ना तो। गिरी और गुंडा, कौन कर रहा है ये बकवास? वो एक मरे हुए कॉमरेड माधवन का बेटा है, सेंट थॉमस से डिग्री ली है उसने। अभी वो एक किसान है, उसे खेती पसंद है। उन लड़कों से मैं तंग आ गई थी, इसलिए उस दिन मैंने ही गिरी को बुलाया था, और इसीलिए उस दिन वो बस स्टॉप पर आया था। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? चलती हूँ, बाय। गिरी की बात कर रही हो? बहुत ही अच्छा लड़का है, जो उसे इज्जत देता है उससे इज्जत से पेश आता है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मस्त लड़का है। इसका ब्रेक लाइनर चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए 1000 रुपए लगेंगे। इतना पैसा? और क्या, सामान बदलेंगे तो पैसा लगेगा ना। ठीक है। हे भगवान, इसकी गाड़ी ऐसी खराब होती रहे और मुझे ये पैसे देती रहे। डॉक्टर साहब, हाँ? इस कमेटी मीटिंग के बारे में हमें क्या करना? हाँ? चाहिए? वो सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। गिरी को बोल देना, वो सब कुछ देख लेगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। क्या तुमने सब कुछ बता दिया? मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। सच में? मुझे पता है, पूजा ने बताया था। मुझे ये पता चला कि मेरे अलावा सब लोग गिरी को जानते हैं। तेरा मतलब हमारा गिरी? हाँ, तुझे भी पता है? पता है मतलब, वो कुंफू मास्टर है ना। मेरे भाई जहाँ कुंफू सीखते हैं वहाँ वो मास्टर है। कौन सी एकेडमी में, कहाँ है वो? दम मसाला डोसा और एक मिल्क शेक, तो मैं तुझे ले जाऊंगी। ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो तू टूर्नामेंट में कैसे जाएगा? अगर तू ऐसे करेगा तो वो तुझे हरा देंगे। प्रैक्टिस जरा ठीक से कर। क्या है? इसे आना था, मतलब मैं अपने भाइयों को देखने आई हूँ। तुम लोग उन्हें यहाँ पर भेजती क्यों? फुल टाइम सोते रहते हैं, उनके पास पेशाब करने की भी ताकत नहीं है। हो सकता है कि फास्ट फूड खाने की वजह से ये सब हुआ है जो तुम लोग उनको खरीद कर देते हो। पहले उन्हें फास्ट फूड देना कम करो और चने के दाने खिलाना शुरू करो, तभी ये लोग कुंग फू सीख पाएंगे। चने के दाने? और उसके लिए घर वालों को पता होना चाहिए कि उसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तुम लोग निकलो अभी। चल चल जल्दी चल, पीछे मुड़कर मत देखना, वो खराब मूड में है और उसके हाथ में डंडा भी है। चल चल। क्या यार टोमचा, वहाँ उस धरती पे स्ट्रगल करने से अच्छा है तुम यहाँ केरल आ जाओ। क्या तुम्हें वहाँ पर वो हरी भरी हरियाली नजर आती है? हैं, यहाँ पर जो ठंडी हवा और सूरज की किरणें हैं वो है वहाँ पर? अरे कुछ भी नहीं है वहाँ, एक पेड़ भी नहीं है उस रेगिस्तान में। हाँ हाँ, तुम यहाँ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अरे जो एनवायरमेंट तुम्हें चाहिए वो यहाँ सब कुछ मिलेगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हें पहले भी कितनी बार बोल चुका हूँ, तुम हमेशा बस पोस्टपोन ही करते रहते हो। मम्मी, चने की सब्जी कैसे बनाते हैं? छोड़, मैं खुद बना लूंगी। हाँ?
फल लेकर आती हूँ। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। हाँ नहीं। बेटी खाना कभी भी जबरदस्ती नहीं बनाना चाहिए। दिमाग में ये बात रखो कि लोग वो खाना खा सकें। ठीक है। तुम कुछ भी करो लेकिन एक लक्ष्य रखो। क्या कर रही हो तुम? ये ग्रेप्स धो लो, मैं देखती हूँ कौन है। आज मैं ऊपर आसमानी चे, आज मैं आगे। अरे गिरी तुम। नमस्ते आंटी, आप बिजी थी? आ जाओ, इतना लेट क्यों हुआ? अरे आंटी उन्होंने लेट कर दिया, मैंने उनको कहा कि मैं इसे फेंक दूंगा अगर एक भी खराब निकला तो। हमें और कोई ढूंढना चाहिए क्या? तुम और किसी को जानते हो? मैं ढूंढ लूंगा आंटी, मुझे कई लोग पता है जो अच्छे रहेंगे। अगर तुम किसी को जानते हो तो मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि गिरी मुझे तुम पर भरोसा ठीक है, है। मैं बता दूंगा। हेलन कैसी है? वो ठीक है। ठीक है मैं निकलता हूँ। अरे बैठो चाय तो पियो। नहीं नहीं मेरा क्लास है एकेडमी में। ठीक है ठीक है आता हूँ। अरे बाप रे। आज मैं आगे जमाना है पीछे। कौन था? वो गिरी था। तुम उसे मिली हो? नहीं। यहाँ पर आता जाता रहता है। वो मेरे पति का सबसे पसंदीदा कुंफू स्टूडेंट है। वो यहाँ पहले भी उसके साथ आता था। वो मेरी बहुत मदद करता है। उसकी मम्मी सुमित्रा और मैं क्लासमेट्स थे, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ के बाद अब वो और गिरी अकेले हैं। दरअसल गिरी आगे बहुत पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे खेती करने में बहुत इंटरेस्ट है। उसे गांव की जिंदगी अच्छी लगती है। ये जरूरी तो नहीं ना कि हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर ही बने, देश को किसान भी तो चाहिए ना। सुमित्रा हमेशा कविताएं लिखा करती थी और उसी समय उसे हमारे क्लासमेट माधवन से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन फैमिली वालों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद सुमित्रा अब लिखती नहीं है और गिरी इसी बात से उससे बहुत नाराज है। वो कहता है उसे पढ़ लिख कर बड़ा करने में उसकी मम्मी ने अपना सपना छोड़ दिया। मैंने एक ही बार उसे रोते हुए देखा है, वो भी अपनी मम्मी के लिए। वो बहुत दुखी है। अच्छा लड़का है ना? मेरी इकलौती बेटी हेलन, अगर वो गिरी से छोटी होती ना तो मैं दोनों की शादी करवा देती। मैं मजाक कर रही थी। क्या तुम जानती हो मेरा बेटा और गिरी क्लासमेट्स थे? वो गिरी को अच्छे से जानता है। क्या वो क्लासमेट्स थे? उसने मुझे कभी बताया नहीं। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। हाय श्रीलक्ष्मी। हाय। आजा आजा। कैसा है मेरा नया बिजनेस? आने वाला जमाना इंटरनेट का है। इस शहर में हर चीज का पहला बिजनेस ये डेविड ही करता है। ग्रेट। अरे इमोरल एक्टिविटीज हो रही हैं। क्या बोला तूने? इमोरल। कैसी बातें कर रही है तू? जवान बच्चे हैं यार, साथ में बैठ के मस्ती कर रहे हैं। इंटरनेट यूज करते हुए उन्हें मैं प्राइवेसी दे रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। क्या छी, ये बोल क्यों आई तू यहाँ पर? ब्राउजिंग करना है? ये सब नहीं करना मुझे। हाँ वो मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। वो जो गिरी है ना, तुम्हारा क्लासमेट था ना? तू इतने दिनों से उसके बारे में क्यों पूछ रही? बता, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। चल जा 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 जा, बता वरना सबको बता दूंगी। अरे देख मैं तो मजाक कर रहा था, गुस्सा क्यों हो रही है? बताऊंगा सब बताऊंगा। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तब से उसे जानता हूँ। उम्र में बड़ा? तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ लड़कियां ही बड़ी हो सकती हो? सिर्फ तुम लड़कियां ही जल्दी बड़ी नहीं होती हैं, हम लड़के भी जल्दी बड़े हो सकते हैं। एक्चुअली हम तीनों अच्छे दोस्त थे। राजा को रानी से प्यार हो गया।
वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। क्या प्यार? हाँ, सच्चा प्यार। और फिर? फिर वही हुआ। उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली, अमेरिका में एक पैसे वाले लड़के से। अरेंज मैरिज थी वो भी। तब से उसने मुझसे बातें करनी बंद कर दी। लेकिन तुम्हारी क्या गलती थी? मुझे नहीं पता, गलती उसकी डैडी की थी। डैडी की? अरे ये वही है, अमेरिका वाली कजिन। अरे जिसका नाम है जूली कानियानी। वो चीटर जूली मेरी अपनी बहन। ओह गॉड, मैंने उसकी शादी में दो प्लेट बिरयानी खाई थी। और फिर उसने अपनी बुलेट की बैक सीट कभी भी नहीं लगाई। ठीक है, बहुत बात हो गई, अब तुम जाओ। चलो ठीक है। ए पूजा, मैं 5 से 6 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ और उसी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर एक लड़की ने धोखा दिया होगा तो लड़का दुनिया की हर लड़की से नफरत करेगा, ये ऑब्वियस है। अब आगे तुझे क्या करना है ये सब तू खुद ही सोच ले। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे बोल दूंगी मुझे वो पसंद नहीं। पूजा, वो तुझे पहचानेगा क्या? यही तो प्रॉब्लम है। और तू उसे बताएगी कैसे? मैं उसे बोल दूंगी, अब भगवान ही मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे। दिखाओगे ना? आपको गाड़ी रिपेयर करना आता है? अरे नहीं, मुझे कहाँ आता है। कार बंद हो जाती है तो हम लोग बोनट खोलकर खड़े हो जाते हैं, कार रिपेयर करना थोड़े ना आता है। भाड़ में जाए आपकी ये थर्ड क्लास खटारा कार। आप यहीं खड़े रहो, मैं पैदल जा रही हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कार खराब हो गई? अरे गिरी, कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, एक टैक्सी बुलानी पड़ेगी। हो, ज्यादा दूर तो नहीं है, आ जाइए मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। गिरी रुको जरा, मैं चाबी देख लूँ। गाड़ी में तो नहीं रखी ना? क्यों, चलकर जाने वाली थी ना? कहां से आ रहे हो आप लोग? हम लोग फ्रांसिस की बेटी की शादी में गए थे, वहीं से लौट रहे हैं। ओह, मैंने सुना था बहुत सारा दहेज दिया है उन्होंने। और क्या, 200 गोल्ड कॉइन्स। यार डॉक्टर साहब, अगर अमीर आदमी ऐसे पैसे देते रहे तो गरीब आदमी कहां जाएगा, इन्हें शर्म आनी चाहिए। गरीब खानदान पर बहुत बुरा असर होता है। अपने गोपाल भाई की 3 बेटियां हैं, अब बताइए ऐसे लोग क्या करेंगे। दहेज लेने वालों से और देने वालों से मुझे सख्त नफरत है। ऐसी बात है क्या? जब तक तुम जैसे लोग जमीन पर हैं, गरीबों की मदद होती रहेगी समूह विवाह वगैरह जैसी चीजों से। क्यों है ना? हाँ रोको रोको रोको, मैंने कहा रोको। हाँ उधर लगा उधर लगा। हाँ रोको, क्या है गाड़ी में? हाँ? गाय का गोबर है सर। गोबर? चल गाड़ी की आरसी बुक निकाल और मुझे दिखा। तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तेरे पैर में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सब इंस्पेक्टर कौन है, जॉर्ज है क्या? उनका नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई है? क्या हो रहा है वहाँ पर? सर कोई मवाली है गिरी, उसे नीचे उतरने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो नहीं उतर रहा है तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, उसे जाने दो यहाँ से। थोड़ा गोबर दे दूं आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप जाओ। हुँ।
गिरी, तुम उस सब इंस्पेक्टर को जानते हो? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तब मैंने रेसलिंग में हिस्सा लिया था। हा? उसके बाद हम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो आईसीयू में था और मैं जेल में। और एक बार फिर से खयानों में शादियों की घंटी बजी, घंटी बजी, घंटी बजी। पापा। हाँ। मैं जिसे शादी करूंगी आप उसे कितने पैसे दोगे? ये कैसा सवाल है बेटी, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? एक रुपए भी नहीं दोगे आप? किसी ने जबरदस्ती की तो मम्मी से उसकी शादी करवा दो। अब टीवी बंद कर और सोने जा, आओ इसके साथ बात करने लगे। अच्छा, तुम टीवी बंद करके सो जाओ। सुमा की तरफ से एक लेटर आया है, ये कैसे चलेगा? पूजा एक अमीर लड़की है और गिरी एक छोटा मोटा किसान है। क्या आपने कभी सुना है कि एक डॉक्टर ने एक किसान के साथ शादी कर ली है? पेरम्बदूर से फातिमा का रिप्लाई आया है कि वो लड़की उसे पसंद करती है, यही उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। वहीं किरुरुन से सुंदरन ने इस चीज पे रोशनी डाली है, कहते हैं वो लड़की उसे पसंद करती है। इसका मतलब क्या है? उसे ये तो पता है ना कि वो किधर रहता है, और अगर ऐसे में पूजा चुप रहती है तो हो सकता है कि कोई और उसके प्यार में आ जाए। पिछले हफ्ते एक गाना टेलीकास्ट हुआ था जिसमें मोहनलाल और सिल्क स्मिता ने अभिनय किया है। आपने वो आधा ही दिखाया था, तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगले एपिसोड में वो गाना पूरा दिखाइए। आप मेरी ये रिक्वेस्ट कृपा करके जल्दी से पूरी कीजिए। कौन है वो? सुकुमार रेड्डी। ऐसे सिचुएशन में मैं तो यही कहूँगा, मैं उन लड़कियों में से थी जो गहरी नींद में सोया करती थी, लेकिन उस दिन के बाद से नींद के देवता जैसे मुझसे नाराज हो गए थे। फिर मैंने फैसला किया कि मैं गिरी के घर को ढूंढ कर रहूंगी। क्या यार टोमचा, कितनी बार मैं तुम्हें एक ही बात बताऊं, क्यों वहां रहकर तकलीफें उठा रहे हो? वापस यहां जाओ, यहां केरल की हरी भरी धरती, मौसम भी तुम्हारे ही लायक है, ये सब चीजें तुम्हें कहां मिलेंगी? फिर से आ जाओ यहां पर। टोमचा एक मिनट, हां कहां जा रही हो बेटी? बाहर जा रही हूं किसी से मिलने। बारिश होने वाली, अभी बाहर मत जाओ। तो क्या हुआ पापा, उससे पहले आ जाऊंगी। कह रहा हूँ सो बात मानो, अभी मत जाओ। मुझे जाना है अभी। मत जाओ मैंने कहा ना। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा ना मुझे अभी जाना है। तुम जाओ जाओ। सुनो टोमचा। टाटा। ए, ये गिरी कहाँ रहता है? यहाँ से सीधा जाओ, वो उस ग्राउंड के पास रहता उस पार? है। हाँ हाँ ठीक है। चल घर जा, रुक जा एक मिनट। चलो घर पे जा। बड़ी आई बारिश देखने वाली। एनी, वहां अंदर कौन है? आपकी बेटी और कौन? तब ठीक है। मैं डॉक्टर मैथ्यू की बेटी हूँ। मैथ्यू जी की मैं चाय रखती हूँ।
बहुत कड़वी है। ऐसा इसी में नहीं और भी चीजों में है। प्यार बहुत कड़वा होता है ना? मुझे नहीं पता। पूजा आंटी भाषण दे रही है, मत सोचना। गिरी बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन तुम इस एज में किसी से अट्रैक्ट होना नेचुरल है, लेकिन जब तुम बड़ी होगी, बाहर के लोगों से मिलोगी, किसी मैच्योर लड़के से अगर जिसे प्यार करूं उसे भूलकर किसी अनजान टकले लड़के से 2 मिनट बात करके उससे शादी करके जाकर अमेरिका सेटल हो जाना हमेशा के लिए, ये मैं नहीं कर सकती। क्या ऐसा ही आप मैच्योरिटी कहती हैं? मुझे ये सब नहीं पता। बस इतना पता कि मेरे मम्मी डैडी को गिरी बहुत पसंद है और आंटी को भी पसंद है। जो सबको पसंद है ऐसे इंसान को ढूंढकर उसके साथ रहना चाहिए। आपने कहा था ना, अब क्या प्रॉब्लम है? क्या गिरी को ये पता है? उसे बताया तुमने? नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं उसे जाकर बता दूंगी। तुम्हें पता है इस संडे क्या स्पेशल है? त्योहार है ना? वो तो है, लेकिन और क्या स्पेशल है पता है तुम्हें? उस दिन गिरी का बर्थडे है और वो खुद एक स्पेशल जगह पर जाएगा। ऋतिक रोशन को फिल्म इंडस्ट्री में आकर 1 महीना हो चुका था। शिव जी, आप कौन से भगवान है नहीं समझ में आ रहा। जो भी भगवान है, मेरी पहली विजिट है ना, तो मुझे माफ कर देना। हाँ, ओम शांति, ऐसे ही कहते हैं ना कुछ। गिरी को जो कुछ भी चाहिए वह उसे दे देना और मुझे गिरी दे दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने बर्थडे के दिन यहाँ पर क्यों आते हो? मेरे बाप दादाओं की ये पूजा करने की जगह थी। ये जगह फॉरेस्ट में जाने के बाद डैडी यहाँ चुपके से आते थे। जब वो पार्टी में थे तब मैं छोटा था, उनके साथ यहाँ आता था। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। बर्थडे के दिन आता हूं तो मुझे खुशी भी मिलती है। तुम छाता लाई हो? क्यों? बारिश पहले पहाड़ पर आती है, जानती हो? हाँ,
नहीं नहीं कुछ मत बोलो, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, अपने दिल की भावनाएं तुम मेरे सामने बयां करना चाहती हो, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सही नहीं है। तुम्हें बहुत दुख होगा, अभी समय है पढ़ाई का, अच्छे से पढ़कर तुम डॉक्टर बन जाओ या फिर उससे भी बड़ी डिग्री कोई हासिल कर लो। दिमाग से ये सारे ख्याल हटा दो। चलो बारिश रुक गई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रहने दो, मेरे पास बाइक है। बहुत नाराज हुई थी, उसने मुझे बच्चा बुलाया था, क्या उसे पता नहीं कि कितना समय लिया था मैंने ये फैसला लेने के लिए। मुझे वो नहीं पसंद, मुझे बच्चा बुलाता है। 18 साल की होने दो, तब मैं उसे बताऊंगी। ये वो समय था जब मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स आ गए थे और एंट्रेंस की कोचिंग केसी थॉमसन दे रहे थे। एंट्रेंस एग्जाम मतलब वो बाद आखिरकार टॉर्चर खत्म हुआ। मैंने एंट्रेंस एग्जाम अच्छी तरह से दे दिया और एग्जाम देने के बाद फिर मैं रात दिन बेल की तरह सोने लगी। एक महीने के बाद मेरा रिजल्ट आया, कोचिकोड मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया और मैं 18 साल की भी हो गई थी। यही वक्त था जब मेरी लाइफ बदल सकती थी, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो था गिरी, माय फर्स्ट लव। कोचिकोड के लिए निकलने से पहले मैं उससे एक बार मिलना चाहती थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊं, कितनी भी बड़ी डॉक्टर बन जाऊं, आखिर में मैं उसी के पास आऊंगी। अरे कौन, छोटी डॉक्टर साहिबा? एंट्रेंस एग्जाम पास हो गई ना, कब जा रही हो? परसों से क्लासेस चालू होंगे, कल चली जाऊंगी। गिरी कहाँ है? वो अभी अभी मंदिर गया है। मुझे छोड़कर मंदिर चला गया बारिश में भीगने के लिए? कब आएगा वो? अरे वो यहाँ के मंदिर में नहीं गया है, चाइना में एक मंदिर है वहाँ पर गया है। ओह गॉड, कहीं फिर से कम्युनिस्ट तो नहीं बनने वाला है? चाइना के मंदिर में क्यों गया? अरे वो पूजा करने वाला मंदिर नहीं है, वो तो कुंफू सिखाने वाला मंदिर है।
उधर गया है। कुंफू टेंपल, शाओलिन टेंपल में? हाँ वही वही। वो पहले ही वहां जाना चाहता था, उसे कहीं से स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन मैं उसे वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अभी अभी अपने दोस्त की शादी की तैयारी के लिए गया था और वहां तो विश्व युद्ध ही हो गया। बहुत प्रॉब्लम हुई। लड़की की फैमिली वाले इस पर बहुत गुस्सा हो गए थे, इसे मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन जब गुंडे यहाँ पर आने लगे तो मैंने ही कहा कि थोड़े दिन के लिए दूर चला जा। तो वो वापस कब आएगा? पता नहीं बेटी, पर आजकल में तो नहीं आएगा, लेकिन वो दूर रहेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी। वैसे कुछ काम था क्या? कुछ नहीं आंटी जी, ऐसे ही। बैठ जाओ बेटी, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ। ठीक है। मेरी लव स्टोरी ऐसे खत्म हो गई। एक शब्द बोले बिना गिरी मेरी जिंदगी से चला गया। मैं उस दिन बहुत रोई। कुकिंग सीखने की जो मैंने मेहनत की, दुनिया के साथ चलने की जो कोशिश की, वो सब की सब वेस्ट हो गई। मैंने अपनी बाइक बेच दी और अपना बैग पैक करके कोचिकोड चली गई। जब मैंने वो जगह छोड़ी तब वाइन आंटी नई रेसिपी से वाइन बनाने लगी। ये सब भंगार में डालने लायक है। नीतू के पापा ने अपनी शॉप से सारी कैसेट्स निकाल दी और अब सीडी रखने लगे। सर सर सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। डेविड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था उसके कैफे में होने वाली हरकतों की वजह से। क्या है? कैफे कैफे कॉफी कैफे। तेरा पार्टनर कौन है ये बता। पार्टनर कोई नहीं है, मैं अकेले ही मैनेज करता हूँ। पंच के लिए एक पंच दूंगा ना तो सारी मस्ती भूल जाएगा। चल अंदर, चल एक डंडा खाएगा ना सारी मस्ती निकल जाएगी। चल अंदर, चल मुंह से मेरे पास मुंह में डंडा डाल दूंगा। यह अकेला आदमी था जो मेरे जाने की वजह से दुखी था। कोईकुड़ बशीर साहब का कोईकुड़, समुद्र का कोईकुड़, वास्को डी गामा जहाँ पहली बार उतरे थे इंडिया में वो कोईकुड़, बीचेस वाला कोईकुड़, केरला में बेस्ट ऑटो ड्राइवर्स वाला कोईकुड़, हलवा और बिरयानी की खुशबू वाली हवा वाला कोईकुड़, आइसक्रीम जो सिर्फ यही मिलती है वो कोईकुड़। ये सब देखते देखते 4 साल बीत गए। मैं MBBS करके हाउस सर्जन बन गई, इसका मतलब अगले साल मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। ए उठना, नीतू अभी भी मेरे साथ ही है, यूनिवर्सिटी में MBA कर रही है। मुझे एक नई फ्रेंड मिल गई, एना मारिया, ये एक क्लास क्रिश्चियन है। हम तीनों ने एक ही घर रेंट पर लिया। मैंने गिरी को इम्प्रेस करने के लिए जो कुकिंग सीखी थी उसका फायदा अब हो रहा है। अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। जिंदगी गुजर रही है लेकिन बिना गिरी के 4 सालों में कितना कुछ हो गया। TV एक्टर्स अब फिल्मों में आने लगे थे, वीरप्पन मारा गया, मुरलीधरन को कांग्रेस से निकाल दिया गया, बहुत कुछ हो गया। यहाँ तक कि सुनामी भी हमारे किनारे तक आकर चली गई, लेकिन वो नहीं आया। चल बहुत पढ़ लिया तूने, चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वो फिर से मुझसे बात नहीं कर रहा, तू उसे समझाना प्लीज। उस वक्त ओरकुट नाम की सोशल वेबसाइट बहुत चल रही थी। मैंने सोचा शायद गिरी उस पर हो, इसलिए मैंने एक अकाउंट बनाया और उसे सर्च किया। जब गिरी टाइप किया तो इतने सारे गिरी टपक पड़े। जब मैं उनकी प्रोफाइल्स देखती तो फटाफट उनके मैसेजेस आने लगते। आखिर में परेशान होकर मैंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया। लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई थी। मैं घर से क्लास जाती और क्लास से घर आती। ऐसा लगने लगा था कि मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ क्लास में बैठे बैठे बोर होते हुए। लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक्स फॉर एग्जाम्पल। हाँ, हमें लगा कि सर डेमो दे रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि उन्हें सच में हार्ट अटैक आ चुका था और वो मर गए। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमें छुट्टी दी गई थी। उस वक्त
कॉलेज लाइफ के ऊपर एक फिल्म रिलीज हुई थी और हमें पढ़ाने के लिए एक बहुत ही धांसु लेक्चरर आया। डॉक्टर प्रसाद वर्गी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे आदमी भी थे, हम सब उन्हें पसंद करते थे, ज्यादातर लड़कियाँ। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट बिफोर दैट एनी डाउट? सर आपकी शादी हो गई है? एनी अदर डाउट? 2 हफ्तों के बाद हमारे वाइवा एग्जाम्स शुरू हो गए। Take one. What is this? Bone marrow aspiration needle. Good. आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? Yeah. What do you know about? Okay. Thank you, sir. Good luck. I think Best so. Of luck. Thank you. ठीक है मेरा। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Take one. No, it's okay, sir. ऐसा क्यों? अगर आप लेंगे नहीं तो शुरू कैसे करेंगे? नो सर, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं लोगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। टेक वन। हाँ हाँ ले लो। मैंने इसके लिए नहीं कहा था, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए कहा था। व्हाई डिड यू टेक द बिस्किट? सामने बिस्किट रखी थी तो मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी। उस दिन के बाद हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा लगा। ये शब्दों में कहें तो एक चीज हो सकती है। क्या? डॉक्टर प्रसाद वर्गी, इसे लगता है कि वो तेरे प्यार में है। जाबे, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छे फ्रेंड्स ही अच्छे लवर बनते हैं। उसका हाव भाव, बात करने का तरीका, स्माइल, इसे रिवाइंड करके क्लोज अप में देख। प्यार में डूबा है वो। ओ गॉड, ये क्या है? क्या है क्या? ये तो अच्छी बात है। अमेरिका में पढ़ा हुआ एक MD डॉक्टर है वो। दिखता भी ठीक ठाक है। मैं उसे तो आंख बंद करके पसंद करूं। अरे तू अभी तक उस चाइना में रहने वाले कुंफू के बारे में सोच रही है, जो दुनिया में सबसे अलग प्रेम कहानी है। सोच, एक लड़की उसके पास जाती है और वो कहता है कि वो अभी तक बच्ची है। तुझे पता है ना कि तू कोई बच्ची बच्ची नहीं है और वो अपना माइंड कभी भी बदल सकता है। बेवकूफ कहीं की। उसने ये पत्तों की छतरी दी है जो तू किसी को दिखा नहीं सकती। उसकी तो शादी भी हो गई होगी, 4 बच्चे भी होंगे। तुम जाओ, मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ। होते मते सके सोसे माते सके ता। ऐसा है, फिर मैं आता हूँ। <आ,
क्या हुआ रे, अचानक से क्यों उठ गई? कुछ नहीं, सपना था। मेरी भी नींद खराब कर दी। अगले दिन दीपावली थी। गिरी की शादी हो गई है सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा था। फिर जब मैंने प्रसाद वर्गी को अपनी तरफ आते देखा तो मुझे लगा कि आज ये मुझे जरूर प्रपोज करेगा, और मैं प्रे करने लगी। और तब मैंने देखा कि क्या कर रही है? मैं यहाँ पढ़ती हूँ, हाउस सर्जन हूँ। गिरी, तुम यहाँ क्या काम है? यहाँ मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। ये डॉक्टर वर्मा का रूम कहाँ है? ऊपर है। ओके, मिलते हैं। पूजा, कौन था वो डॉक्टर? मुझे आपको कुछ बताना है। जिंदगी में पहली बार मैंने जिसे पसंद किया था वो यही है। अब भी उसे चाहती हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे पसंद नहीं करता। उसने खुद ऐसा कहा? ऐसा नहीं कहा, पर जब मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई तो उसने कहा मैं बच्ची हूँ। अच्छा, ये बात उसने उस टाइम कहा होगा, अभी बताओ। अभी बता के भी कोई फायदा नहीं। ऐसी बात है क्या? उसे एक लड़की ने धोखा दिया था, मुझे लगता है वो अब भी उसी से प्यार करता है। अच्छा सुनो, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, क्यों ना हम लोग कहीं बैठ करके बातें करें। खोया प्यार बहुत दर्द देता है। पूजा, तुमने कभी नशा किया है क्या? क्या नशा? मतलब मैंने भी नहीं किया है, बस समझ लो ये खोया हुआ प्यार बिल्कुल नशे की तरह होता है। ये दिल दिमाग पे काबू कर लेता है और धीरे धीरे आपके ऊपर छा जाता है, लेकिन शरीर जो है वो हर वक्त बताती है कि ये बहुत नुकसानदायक है। समझ लो कि खोया हुआ प्यार भी बिल्कुल वैसा ही होता है, चाह के भी भूलना मुश्किल होता है। मुझे छिलकों के साथ मूंगफली के दाने अच्छे नहीं लगते हैं। प्यार का दूसरा स्टेज समझ लो कि भाड़े पे घर ढूंढने जैसा है। आप जिसके घर में रहते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर निगरानी रखता है। इस स्टेज में लवर एक दूसरे के ऊपर पूरी नजर रखते हैं। लास्ट स्टेज का प्यार समझ लो कि मूंछों की तरह है। मूंछ की तरह? तुम उसे बढ़ा सकती हो या फिर काट सकती हो। देखो, उसका प्यार उसके पास नहीं है, मतलब वो उसे भुला चुका है। तुम थोड़ी हिम्मत करो और बता दो। मैं बोल रहा हूं ना, जस्ट गो। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, जैसे कि प्रसाद। मैंने गिरी से कभी नहीं पूछा कि वो उस दिन क्यों आया था। सीधा वर्मा डॉक्टर को ढूंढते हुए चली गई। बीविंग में मैं रेगुलरली जाती थी। फिर एक दिन 106 वार्ड नंबर में एक पेशेंट आया। धर्कम जी। अरे आ गई आप, आइए आइए। किस सोच में डूबे हुए थे? मैं सोच रहा था कि एक स्टोरी लिखूं रोग के बारे में। हाँ? रोग के ऊपर कैसी स्टोरी? ये जो रोग है ना, बाप दादाओं की तरह चलते हैं। अगर एक चला गया तो दूसरा आ जाता है पूछताछ करने। गैस की प्रॉब्लम पहले से थी, अभी उसका भाई आ गया, पता है इंक्वायरी कर रहा है आजकल। कौन है? किडनी स्टोन। तुम्हें क्या लगा मुझे कोई खास तोहफा मिल गया है? क्या हाल है? आइए आइए। मैं आज डिस्चार्ज हो गया। अगर मैं कहूं कि हम फिर से मिलेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें पेशेंट नहीं बनना है। जाइए, पर अपना ख्याल रखिए। चलता हूं।
हाँ, चलता हूँ। चलो बेटी। तीन बेटे हैं इनके, पर बीमारी में इनका ख्याल सिर्फ बेटी ही रख रही है। बेटे तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। उनका स्वभाव मेरे पापा जैसा था, इसलिए हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। मुझे उनकी आदत हो गई थी, इसलिए मैं उनसे मिलने रोज जाने लगी। एक बार जब मैं 106 में विजिट के लिए जा रही थी, तब मैंने 107 में देखा। ओह गॉड आंटी, आप इस वार्ड में थी? मुझे पता ही नहीं था। रेचल ने कहा था तुम यहीं पर हो, लेकिन इसने मुझसे कहा कि तुम्हें तकलीफ ना दूं। अरे बाबा, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है ना, आप इतना लेट क्यों आई यहाँ? मुझे ये पता नहीं था बेटी, इसका फ्रेंड यहाँ डॉक्टर है, कोई डॉक्टर वर्मा, मुझे घर के पास ही रहना था बेटी। ये क्या है, लोग यहाँ से चाइना चले जाते हैं, आप घर से यहाँ नहीं आ पाई? अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ रोज आकर आपसे मिलूंगी। मुझे लगता है एक हफ्ते में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ड्यूटी डॉक्टर से मैं बात कर लूंगी, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। जब मैंने गिरी की मम्मी को हॉस्पिटल में देखा, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि लड़कों की वीकनेस तो उनकी मम्मी ही होती है ना। गिरी को गुगली से क्लीन बोल्ड करने का मुझे अच्छा मौका मिला था। चीफ डॉक्टर ने बताया आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है छोटी डॉक्टर, तुम आती रहना। हाँ, जब भी राउंड मारूंगी तब यहाँ आ जाऊंगी। दवाइयों के लिए ये बाहर जाने ही वाला है, गिरी इसे अपने साथ लेकर जा, और आते वक्त मेरे लिए कुछ लेकर आना। मम्मी। अरे नीलम बेटी, तुम यहाँ पर? मैं तो इस कॉलेज में अक्सर आती रहती हूँ, गेस्ट लेक्चरर हूँ, एक साल हो गया है। आप यहाँ पर है, इस पागल ने मुझे बताया ही नहीं। अब बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है, और वो भी मेरे होते हुए मैं आपके लिए बना कर ले आऊंगी। खाने की फिक्र आप मत कीजिए, चलो चलो मेरे साथ। तुम जा रही हो, ये दोनों अभी वापस आएंगे, तुम खाकर जाना। नहीं आंटी, मुझे राउंड पर जाना है। देख ज्यादा सोच मत, मैंने उसके बारे में जानकारी निकाली है, वो मेरी बहन के साथ पढ़ती थी। कितना अच्छा नाम है ना, थिन्नल, हवा के झोंके की तरह, और गिरी मतलब पहाड़। वो एक गेस्ट लेक्चरर है और एक राइटर भी। राइटर? ये पूजा, वो देख पहाड़। यहाँ बैठता है। मेरा मतलब गिरी। अरे बाप रे, वो भी आई है इसके साथ। हम इसे दोष नहीं दे सकते, कोई भी इसके लिए 5 साल रुक सकता है। बहुत स्मार्ट है ये। स्मार्ट नहीं, इडियट है। देख तो कितनी अच्छी स्माइल है उसकी। ऊपर से अपनी शर्ट की बटन्स भी खुली रखा है। क्या चाहिए तुझे? मम्मी भी राइटर थी, अब ये भी राइटर निकली, दोनों लिखते रहेंगे और ये बैठ के दोनों की किताबें पढ़ता रहेगा। तो ऐसा क्यों सोच रही है, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। वही तो।
ओह, ले खा ले इसे। बच्चे से ऐसे बात करते हैं क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मेरे हाथों से फिसल रहा था और मैं पागल हो रही थी। अरे जख्म तो ही साथ में है। जब भी मैं उस लड़की को गिरी के साथ देखती, मेरे दिल में बहुत दर्द होता। मैं गिरी को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। तब मैंने सोचा कि मैं उस लड़की का मर्डर करके जेल चली जाऊंगी। फिर मुझे पता चला कि ऐसा कभी मैं कर ही नहीं सकती, इसलिए ब्रेक लिया और अपने गांव चली गई। ओह गॉड, ये यहाँ भी आ गई। मेरे पास भी बुक है, समझती क्या खुद को। हे, तुम पूजा हो ना? मैं थिनल हूँ। भाई साहब चाय? हम दो दिन पहले मिले थे मेडिकल कॉलेज। मैडम चाय लगी? मैं गिरी की फ्रेंड। मैडम चाय? तुम चाय पियोगी? नहीं चाहिए। गांव जा रही हो क्या? हाँ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड आए होंगे कुवैत से छुट्टी मनाने के लिए। तुमने शादी कर ली? की नहीं, करवाई गई। गिरी ने खुद करवाई। वो रॉबिन के साथ मेरे घर पर आया था और वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और आखिर में मैं और रॉबिन यहाँ आ गए। गिरी को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे लिए बहुत कुछ किया है उसने। अगर वो मेरे लिए ये सब नहीं करता। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे पता था कि तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। दो चाय देना था, वड़ा खाओगी? नहीं थैंक यू। बारिश आई छम छम छम, लेकर छत पर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की कविता है ना? हाँ पापा, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना तो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं, पता है आपको? मैंने सुना था कि लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो टेंशन के मारे माता पिता का दिल धड़कने लगता है। तुम्हें पता है तेरी उम्र कितनी हो गई अभी? ये लो, ये तेरा इंतजार कर रहा था कि तू कब वापस आएगी सनी। मैं भी लोगों की शादियां करवाता हूँ, मैरिज ब्रोकर बन गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ अपने बिजनेस की शुरुआत तुम्हारे जैसी लड़की से ही करूँ। लड़का बहुत अच्छा है, तुमसे मिलने के लिए कहूँ? तू इसे बोल रहा है लड़का दिखाने के लिए? सोच भी नहीं सकती मैं, ये तो खुद जाकर लड़का देख कर आएगी। थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारा? गिरी। हाँ गिरी। पढ़ाई कितनी की है? एमए हिंदी में। क्या कहा? इसकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है। अरे जोर से बात करना। एमए हिंदी में। ये बाइक चलाना तीरबाजी सीख सकती है, लेकिन शादी के बारे में बात करते लड़कियां शर्मा जाती हैं। देखा ना आपने कैसे शर्मा के भाग गई। सनी ये कह रहा था कि तुम वहां से शर्मा कर भाग गई। मुझे पता है मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। जब भी तुम्हारी शादी की बात होती है तो तुम उसे टाल क्यों देती हो? ऐसा कुछ नहीं पापा, मैं किसी चीज का वेट कर रही हूँ। अगर वो नहीं हुआ तो बता दूंगी, आप जैसे कहोगे उससे शादी कर लूंगी। किसका वेट कर रही हो? कोई एग्जाम है क्या? हाँ बहुत ही टफ एग्जाम है। वैसे मैंने भी MBBS किया है, ये कौन सा एग्जाम है जो मुझे नहीं पता? सिलेबस बदल गया है पापा, ये जमाना अलग है। ये किसी शेरनी से कम नहीं है, एक बार और कोशिश करनी होगी। अगले दिन मैंने पूरा मास अटेंड किया। पापा मुझसे बहुत खुश हुए, मगर मैं बोर हो गई थी। फिर मैंने जाकर अपने पूर्वजों के लिए भी प्रार्थना की। हाँ?
डेविड कान्यानी हो ना? तुम कब वापस आए? दो हफ्ते पहले। मुझे दो, मैं जला देता हूँ। वैसे जानबूझकर नहीं गया था, कुछ बिजनेस के सिलसिले में गया था, पर बिजनेस सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। अभी एक नया बिजनेस भी शुरू किया है, अब पूरी उम्मीद है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या कह रहे थे तुम? क्या है कि मैं कुंफू टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। आजकल इसका बहुत स्कोप है और मुझे एक अच्छा सा स्पॉन्सर भी मिलने वाला है। उसका ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो स्पॉन्सरशिप करने में बहुत इंटरेस्टेड है। हाँ, तो जाओ कर लो, इसमें मेरा क्या काम है? उनकी एक कंडीशन है कि इस टूर में गिरी और उसके साथी भी पार्टिसिपेट करने चाहिए। तुम और गिरी तो वैसे भी बहुत क्लोज हो ना, तुम उससे बोला ना अपने दोस्तों के साथ आने के लिए। उसकी चाइना में भी बहुत पहचान है, अगर वो एक बार भी आ गया ना तो समझ लो कि बस कमाल हो जाएगा। पूजा सुनो, पूजा एक बार ट्राई करो ना। मैं उससे बात नहीं करूंगी, तुम डायरेक्टली जाकर उससे पूछ लो। अरे मैं नहीं पूछ सकता, वो मुझसे अभी तक नाराज है। क्यों, उसे जूली का धोखा अभी भी याद होगा क्या? वो अब तक उसे भूल चुका होगा। जाओ जाकर पूछ लो। देखो अगर मैं जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। इसका मतलब बात सिर्फ जूली के धोखे की नहीं, कोई और बात भी है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, बस ये समझ लो कि मैं और गिरी हम दोनों एक ही जंग के अंदर हैं। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कैप्टन हेल्प मी, अपना हाथ दो। थैंक यू कैप्टन, कैप्टन। ये लो, आपने पी ली कैप्टन, तुम पी लो। लेफ्टिनेंट कान्यानी, कैप्टन यू आर सो काइंड। लेट्स मूव कैप्टन। संभल कर पैर रखना। यस कैप्टन। दुश्मनों ने यहां माइंस बिछाए हैं, कंट्री फेलोस। कैप्टन, सेव मी प्लीज कैप्टन, मुझे बचा लीजिए। लेफ्टिनेंट कान्यानी, सेव मी कैप्टन, मुझे बचा लीजिए। हिलना मत, स्टे स्टील, धीरज रखिए, डोंट गेट पैनिक, आराम से कैप्टन प्लीज, पैर आराम से। सेव मी कैप्टन, यहाँ पर पत्थर कहाँ है? लेफ्टिनेंट कान्यानी, लेफ्टिनेंट कान्यानी, लेफ्टिनेंट कान्यानी, मैं नहीं आऊंगा कैप्टन। तुमने ऐसा किया? सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बदतर किया मैंने, बोलते हुए भी शर्माती है। तब तो गिरी की इसमें कोई गलती नहीं। प्लीज मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। तूने कहा इसलिए नहीं या फिर इसकी मदद करने के लिए भी नहीं? मैं चाहता हूं कि मेरे साथी इस मौके का फायदा उठाएं। जोनो, वो उठा के ले गया। मैं मैं आऊंगा इस साल के समूह शादी के डोनेशन के लिए, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। ठीक से कंट्रीब्यूट करना और मेरी तरफ से जो मदद चाहिए वो मैं कर दूंगा। आई गॉट इट। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें किसी भी चीज में मेरी मदद चाहिए होगी तो मैं जरूर आऊंगी। कहाँ जा रही हो? इस साल के समूह विवाह की मीटिंग में मैं जा रही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे सामूहिक कामों में साथ देना अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो फिर इस चेक पर साइन कर दीजिए, अमाउंट मैं बाद में लिख दूंगी। हाँ? ये तो मेरे अकाउंट का चेक है। हाँ। ओहो।
थैंक यू। ज्यादा पैसे मत उड़ाओ। मीटिंग से मैं और गिरी थोड़ा क्लोज आने लगे थे, तो मैंने जब उसे कहा कि मेरे साथ चलकर मेरे स्पेशल पर्सन से मिला, तो उसने हाँ कर दी। ये किसका घर है? चलो ना बताती हूँ। हाँ हेलो चटर पटर लड़की, वेलकम, आओ आओ। सफर अच्छा रहा ना? अरे गिरी मैं तुम्हें जानता हूँ, आओ। तुम शायद मुझे नहीं पहचानते, लेकिन अगर किताबें पढ़ने का शौक होगा तो मेरे बारे में जरूर सुना होगा, जेकब थर्कम, अक्षरा पब्लिकेशन। हाँ मैंने सुना है। पूजा को मैं पहले से जानता हूँ, मेडिकल कॉलेज में मुलाकात हुई थी। मैं अपने काम से अक्सर बोर हो जाता हूँ, तो ट्रीटमेंट कराने के बहाने मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जाता हूँ, चेंज मिल जाता है। अक्षरा पब्लिकेशंस इस हफ्ते ये बुक लॉन्च करने वाला है। गिरी मैं तुम्हें इसकी पहली कॉपी देना चाहता हूँ, ये लो खोल कर देखो। इस किताब की शुरुआत हॉस्पिटल में हुई थी, इसकी मिनी स्क्रिप्ट से। मैंने इसे ध्यान से पढ़ा, मुझे लगा कि यह छपने लायक है। इस किताब में पूजा का काफी योगदान है, तभी मैं इसे लिख पाया। वैसे मैं जानता हूं तुम्हारी मम्मी एक अच्छी राइटर है। किताब की पहली कॉपी मेरे हाथों तुम्हें दी जाए, इसकी बहुत इच्छा थी। सुमित्रा बहुत खुश होगी है ना? या फिर कहीं जेल में तो नहीं डलवा देंगी ना? चलते हैं। ये लड़की बहुत ही अच्छी है। इतना आसान नहीं होता किसी और के सपने के ऊपर काम करना, उसके लिए दिल की गहराइयों में प्यार चाहिए। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी दोस्त मिली है। गुड लक। ठीक है हम चलते हैं। एक ही बात दोहरा कर मैं अब तक थक चुका हूँ। यहाँ केरल में जो हरियाली और सुकून है ना, जब तक तुम यहाँ आकर देखोगे नहीं पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है फिर निकलो। बेटी वो रवि आया था, उस समूह विवाह के लिए लिस्ट और डिटेल्स के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता था। वो तो कल का काम है डैडी, कल का काम कल करेंगे, आज की खुशी आज मनाएंगे। हमें इस बार थोड़ा अच्छा करना होगा, लास्ट टाइम सिर्फ 25 जोड़े ही थे। हाँ वो ज्वेलरी वाले स्कॉलरशिप लेने के लिए मिनिस्टर से बात करके हमें रिकमेंड करना होगा। हाँ वो कर लेंगे। ये लिस्ट तुमने देखी क्या? हाँ। अरे गोपाल भाई की बेटी श्री लक्ष्मी का वर्क ऑन है, इसमें तो लिखा ही नहीं है। मैंने सेक्रेटरी को बता दिया है, श्री लक्ष्मी मेरे बेटे गिरी से शादी करेगी।
अच्छी बात सुमित्रा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। देखो बेटा, मेरा दिल अच्छा है ये कहकर तुम इसे चैरिटी में मत बदल देना। श्री लक्ष्मी अच्छी लड़की है और जब वो बच्ची थी तब से मैं उसे जानती हूँ, और गिरी भी। वो उसके लिए सही लड़की है, और तुम्हें तो गिरी के बारे में पता ही है, उसे धूमधाम से शादी करना पसंद नहीं है, उसे भी पसंद आएगा, मुझे विश्वास है। सुमित्रा से बात करती हूँ, तुम दुखी मत हो। रहने दीजिए आंटी, गिरी की मम्मी सही है, गिरी को भी यही ठीक लगेगा। श्री लक्ष्मी अच्छी लड़की है और मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। एक बार मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता चुकी हूँ, वापस रिजेक्ट नहीं होना चाहती। अगर इस बार हमें एक होना है तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, उसे ही मेरे पास आना होगा। मुझे यकीन था कि गिरी मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक चमत्कार से, और भगवान के चमत्कार का ही एक सहारा था मेरे पास, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर बैठ गई थी। पूजा, एक मिनट बाहर आ सकती हो? हाँ पूजा। मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया था वो सब कुछ तुम भूल जाओ। अब जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, अगर मेरी बात मानोगी तो जरूर सफल होगी। बेस्ट ऑफ लक। टेक वन। अब टेक वन। सुनो ना, हाँ। हम गिरी को मदद करने के लिए पूछें क्या? नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ? मैं बात करूंगी, बस मेरे साथ खड़े रहना। लेकिन सुनो, यही एक रास्ता है हमारे पास, मुझ पर विश्वास करो। रहीम राउत की बेटी, इस गाँव में कितनी क्रिश्चियन लड़कियां हैं और तुम हो कि तुमने रहीम राउत की बेटी को चुना प्यार करके भगा ले जाने के लिए। देख यार, इस वक्त मुझे तेरी मदद चाहिए है। टूर्नामेंट से जो पैसे बचे थे उससे मैं शादी करने वाला हूँ, और कोई रास्ता नहीं क्योंकि सामूहिक विवाह भी होने वाला है। मुझे उसे भगाना ही होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, प्लीज प्लीज हेल्प कर दे यार। नहीं, ये नहीं हो सकता, और मैं मदद नहीं करूंगा। तुम बात करो ना।
हमें लगा था कि तुम दो प्यार करने वालों की मदद जरूर करोगे, इसलिए आए थे। एक बार तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्तों की शादी करवाई थी और हमारी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। तुमसे मदद मांगी उसके लिए सॉरी। पूजा, नसीमा पूजा की क्लासमेट थी। पूजा उसे आसानी से घर से बाहर निकाल सकती है, पर उसके बाद गिरी तुझे हमारी हेल्प करनी ही होगी। इतनी देर कर दी आने में, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ बैठो। अच्छा जल्दी बैठो। अच्छा गिरी, वहां पर रोक देना। हाँ बस यहीं रोक दो। चलो चलो। गिरी, थैंक यू वेरी मच यार। मैं तेरा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे यार। मैंने इस चिट्ठी में तेरे लिए कुछ लिखा है, इसे पढ़ लेना। चलता हूँ। क्या बे कमीने गिरी, चलनखोर, एहसान फरामोश, इस लड़की के लिए मैं बस स्टॉप पर रोज इंतजार करता था, पर तूने कभी मेरी हेल्प नहीं की। मैंने इंटरनेट कैफे खोला ताकि मैं उसे अकेले में मिल सकूं, पर तूने पुलिस को इन्फॉर्म करके मुझे अंदर करवा दिया। तूने हमेशा मेरा काम खराब किया और अब सामूहिक विवाह करने के नाम पर तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुझे लगता है कि तू लोगों के लिए भलाई का काम कर रहा है, मगर कान खोलकर सुन ले, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। कन्यानी कमीने, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, गाड़ी चलाओ। पीछे मत आना। ये सुन, हमारा पीछा मत करना प्लीज, हमें जीने दे। वो आखिरी बार था जब डेविड भाई गायब हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद गिरी के मन में जो भी विचार थे वो सब बदल गए और अब डेविड गिरी के लिए एक संत बन गया था। मुझे यकीन हो गया कि अब गिरी मुझे पक्का प्रपोज करेगा और मुझे पक्का यकीन था कि एक दिन सूर्य जरूर उगेगा और उस दिन जब सूर्य होगा। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रिजल्ट लेने गई थी, इतना लेट कैसे हो गया? क्या हुआ, पास नहीं हुई क्या? कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो। एक बात सुनो, क्यों ना हम लोग सनी का जो ऑफर था वो उसे मान लें। ऐसा है तो हम सनी को ही आने के लिए कहते हैं ना। आखिर में मेरी कजन जूली के साथ जो हुआ, शायद वो मेरे साथ भी होने वाला था। मुझे भी किसी अनजान से शादी करनी पड़ेगी। अगले दिन संडे था।
पापा इसे पकड़िए। पूजा, मैंने जो कहा उसे भूलना मत। पहले वो क्या कह रहा है उसे अच्छे से सुनना, फिर फैसला करना। तुमने तुम्हारे पापा मम्मी को कभी ठेस नहीं पहुंचाई है, उनके बारे में भी सोचना फिर फैसला करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ पूजा। वही जगह है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पूजा, एक बात पता है, मैं एक साधारण इंसान हूं, एक किसान। फिर शुरू हो गया। अब कहेगा पूजा तुम बड़े घर की लड़की हो। पूजा तुम बड़ी घर की लड़की हो। और तुम्हें बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। हम में और तुम में बहुत अंतर है। हम में और तुम में बहुत ज्यादा लंबा अंतर है। लेकिन उससे मुझे लेना देना नहीं है। क्या है यार, लड़की को तीरंदाजी सिखा रहे हो, बाइक चलवा रहे हो, क्या है ये सब? हाँ, एक हिंदू लड़के को पब्लिक में पकड़ के बाइक पे घूम रही थी। सुनो, हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर नहीं तो भोगना पड़ेगा। गूंगे हो गए क्या? पूछ रहे हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने क्या मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया था कि यहाँ की आके हरियाली देखूं? क्या मुझसे कुछ बोलोगे भी? जब कुछ बोलना ही नहीं है तो तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ। बिगाड़ के रख दिया बच्ची को। आप चिंता मत कीजिए। चिंता? मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि वो अरेंज मैरिज के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। वो लड़की पूजा है, मेरी बेटी। मुझे अच्छे से पता है उसके नसीब में लव मैरिज ही है। और फिर वो गिरी जिससे वो प्यार करती है, वो उसे कभी भगा कर नहीं ले जाएगा। बहुत अच्छा लड़का है वो, देख लेना तुम, वो बस आता ही होगा। क्या बोलती हो? डॉक्टर साहब, मुझे जरूरी बात करनी है। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? आगे बढ़िए, घुमा फिराकर बात मत करो। ये कैसे हो सकता है? हम क्रिश्चियन हैं और वो हिंदू है। परमेश्वर ने जो कुछ भी सहा था वो सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों के लिए था। मतलब? किस जमाने में जी रहे हो तुम अभी तक?
अंदर आ जाओ दोनों। जिसने मुझे रिजेक्ट किया था, एक संडे के दिन भगवान ने उसे बुद्धि दी और 6 संडे के बाद उसने आकर मुझसे शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। पापा ने एक नई मेडिसिन की खोज कर ही ली थी, लेकिन उसी वक्त मम्मी अरे वाह! दोनों ने 8 डोसा खाने वाले मोटे से शादी की और नीतू ने आखिर में जिससे शादी की वो था यार्डली, और अभी वो अपने पहले बेबी का वेट कर रहे हैं। टॉमी चौंकल हमारे गांव में सेटल हो गए, जहां बहुत सारी हरियाली है और फ्रेश हवा है। वाइन आंटी को एक ऑफिशियल वाइन टेस्टर मिल गया। पापा ने जो डायलॉग मारा था उससे सनी का जाते की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। अब वो एक सक्सेसफुल मैरिज ब्रोकर है जो सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज कराता है। सासू माँ की एक बुक बहुत फेमस हो गई और अब वो दूसरी बुक लिखने की तैयारी में है जैकब सर के लिए, जिसमें मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ। गिरी ने अपनी खुद की कुंफू अकेडमी खोली है। तो ये थी मेरी कहानी जिसमें मुझे अपना प्यार मिल गया और अब मैं जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने। वो लड़का जिसने मेरी तरफ से गिरी से बात की, जिसने मुझे आइडिया दिया कि गिरी की मम्मी की बुक पब्लिश होनी चाहिए, जिसने मुझे कान्यानी और श्री लक्ष्मी के केस में सपोर्ट किया, वही दोस्त। वैसे आपको उसके बारे में एक बात बता दूं, शक्ल उसकी बिल्ली जैसी है लेकिन ब्रेन टाइगर जैसा, मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रसाद। हमारी लाइफ खुशियों से भर गई, लेकिन इन लड़कों की एक आदत होती है, वो कभी भी अपना पहला प्यार नहीं भूलते। वैसे बच्ची का नाम क्या रखा? जूली। जूली बेटी। पूजा ने इसका नाम रखा है।